बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। क्या बात है, जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम, और आपको भी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश बाश होंगे, और अगर नहीं हैं, थोड़े से उदास हैं, तो हमारा शो देखिए। हमारी कोशिश यह है कि आने वाले कुछ शोज जो हैं वो बड़े स्पेशल हो, जिसको आप लोग एंजॉय करें, आप थोड़ा एंटरटेन हो और साथ साथ थोड़ी सी थ्रिलिंग हो। थ्रिल ये हो कि क्या जीत पाते हैं लोग या नहीं जीत पाते हैं। नॉर्मली आते जाते लोग कुछ मिले सफ़र में, रास्ते में बात हुई, बहुत लोगों ने ये इजहार किया कि वो मेरे शो पे आना चाहते हैं, जबकि मैं उनको बड़े अरसे से ये बता रहा था कि जनाब अगर शो पे आना है तो उसका बहुत आसान सा हल हम आपको बता चुके हुए हैं कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मैसेज कीजिए। व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज नहीं करते तो आप फेसबुक है, इंस्टा है, उन पे मैसेज कीजिए, यूट्यूब है उस पे मैसेज कीजिए, तो आपको यहाँ पे आने के लिए एक छोटा सा ऑडिशन यानी एक वीडियो बना के भेजनी है, जिसके बाद आप मेरे इस शो पे आ सकते हैं जिसका नाम है जीतो एक मिनट में। और हमारी भी यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग शहरों से लोग आएँ, आके यहाँ पे खेलें, इन्जॉय भी करें, क्योंकि बहुत आसान आसान से गेम है। मैं अगर सच कहूँ तो समझ लें कि बच्चों वाले खेल हैं, और शायद बच्चे घरों पे ये खेल ज़्यादा आसानी से खेलते हैं, जो कि कई बड़ों से नहीं खेले जाते। आज इसीलिए हमने थोड़ा सा स्पेशल किया शो को, और स्पेशल इसलिए किया कि हमने कहा जहाँ जनाब इतने बड़े बड़े लोग आए, कुछ सेलिब्रिटीज़ आए, कुछ बड़े बड़े मेहमान आए, आप में से बहुत सारे लोग आए, आप में से बहुत सारे लोग आए यहाँ पे खेलने के लिए, हमने कहा थोड़ा सा प्रोग्राम को चेंज करते हैं। आज के इस स्पेशल शो में बच्चों को बुलाते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई ये बच्चे खेल पाते हैं या नहीं खेल पाते हैं। आपके जाने पहचाने नाम हैं, आप उनको देख चुके हैं एक बड़ा ज़बरदस्त शो जो कि अहमद अली भट होस्ट करते हैं बोल एंटरटेनमेंट पे, उसमें ये बच्चे आते हैं और बड़ा तंग करते हैं। मैं भी जब गया था तो उन्होंने मुझे बड़ा डिट्रैक किया और मुझे बड़ा तंग भी किया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कुछ बच्चे साथ भी दे रहे थे और कुछ बच्चे जो हैं वो थोड़ा थोड़ा तंग कर रहे थे। तो छठी के बच्चे, आपसे अच्छे के कुछ बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, बुलाते हैं आपकी भरपूर तालियों में जरगून, जयान, तलबिया और अविया। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। आ जाएं इधर, आ जाएं इधर, आ जाएं चारों चारों इधर आ जाएं। बच्चों को इतना बता कैसे, माशाल्लाह सारे इतने प्यारे प्यारे तैयार हुए हुए हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या हो रहा है भाई? शूट से आई हैं आप? क्या शूट कर रही थी आप? यस। तभी आप परी बनी हुई हैं। yes. प्यारी सी छोटी सी परी, इसलिए तो बनी हूं। ये मुझे पीआर मिला है। अच्छा, इनको पीआर मिला है भाई? पीआर? और ये इनको पीआर इसलिए मिला क्योंकि ये शूट कर रही थी जी? तो कैसी रही शूट आपकी? बहुत अच्छी रही। अच्छा, सो आपने कुछ तैयारी की है? हमारी आपने गेम्स देखी है जो यहाँ पे होती है? 100 टाइम भाई, हमारे YouTube पे व्यूज इसकी वजह से हैं, इसने देखा है 100 टाइम। आपकी कैसी तैयारी है जनाब? हमेशा की तरह बिल्कुल ठीक तैयारी जा रही मेरी। अच्छा, वहाँ तो आप बड़े बड़े चैलेंज देते हैं, आज देखते हैं यहाँ पे हम आपको जो चैलेंज देंगे वो आप पूरे करते हैं या नहीं। आसानी से कॉन्फिडेंस चेक करें आप, सारी बातें एक तरफ, कॉन्फिडेंस चेक करें इन बच्चों का। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। चाइना से कब आई हैं आप? मैं अभी चाइना नहीं गई, मैं दुबई चली गई हूँ। लेकिन अच्छा, तो दुबई में चाइनीज मिल गए? नहीं, कराची में चाइनीज बनी, दुबई में नहीं बनी थी। अच्छा, कराची में चाइनीज बनती है, तो दुबई में क्यों नहीं बनती हैं आप? दुबई में क्यों नहीं बनती चाइनीज? दुबई में एक दफा बनी थी। अच्छा, तो ये आपको अच्छा लगता है ये चाइनीज बनना? इतना प्यारा लगता है, मैं क्या बताऊं? क्या बताएं? बताएं नहीं, बताएं हमें। अब क्या बताऊं, यही तो बोल रहा है। मैं ही तो कह रहा हूं, बताएं ना कुछ तो बताएं। ये मेरा चाइनीज ड्रेस है, बस बता दिया। बस
ठीक है, ये इनका चाइनीज ड्रेस है और बस इन्होंने ये बता दिया। लेकिन आप बहुत प्यारी लग रही हैं, आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं, आप भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू। आज देखे ना बॉयज जो है ना, मैं अपने आप को बॉयज में डाल रहा हूँ बाय द वे, ये जो आज बॉयज हैं ये बड़े कैजुअल आए हुए हैं और लड़कियाँ कितनी तैयार होके आई हुई हैं। कितना अच्छा लगता है कि लड़कियाँ इतना तैयार हुई हुई हों और ऐसे बनठन के प्यारी प्यारी सी यहाँ पे भी और वहाँ पे भी। सो आप सब बहुत अच्छी लग रही हैं, सो अपने लिए भी तालियाँ होनी चाहिए। तो आपकी कैसी तैयारी है भाई साहब? मैं ठीक हूँ, मेरी तैयारी तो बहुत अच्छी है। गेम्स में जी आप देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे, आप बोलेंगे ये कौन किधर से आ गया, ये रोबोट है। ऐसा है? हाँ, तो ऐसे गेम्स खेलोगे कि खेलते जीतते हाँ, चले जाओगे। हाँ, लेकिन एक लाइफ की एक लाइफ ऊपर नीचे हो सकती है। अच्छा, लेकिन चले मैं आप लोगों को ना अब थोड़ा सा गेम के रूल्स के बारे में बताता हूँ। आपके पास तीन लाइफ लाइन्स हैं, आपके पास भी तीन है, आपके पास भी तीन है, आपके पास भी तीन है। सो मतलब ये होता है कि एक गलती माफ़ी, दूसरी गलती माफ़ी, तीसरी गलती टाटा बाय बाय। ठीक है। अच्छा, जब गेम्स आएंगी आप लोगों का मुकाबला नहीं है, आप खेलेंगे एज अ टीम, आप चारों एज अ टीम खेलेंगे। ओके। सो होगा ये कि आपके पास अब देखें कितनी बारियां हो गई, 6, 6, 12 बारियां। ठीक है। सो 12 टर्न्स आपके पास हैं, लेकिन जो आखिरी गलती है, जो तीसरी गलती है, उसके बाद फिर आप गेम्स नहीं खेल सकते। सो जब भी कोई गेम आती है आप चारों ने आपस में ये मशवरा करना है कि ये गेम मैं अच्छी खेल सकता हूँ। लेकिन चूंकि अब आप चार लोग हैं तो आपको मैं ये बताऊं कि हमारी चार स्टेजेस हैं, चार स्टेजेस में 5 गेम्स होती हैं, मतलब हर स्टेज में 5 गेम्स होती हैं। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हर स्टेज में एक बच्चा एक गेम ज़रूर खेले। ठीक है। मतलब एक स्टेज में चारों को एक एक गेम खेलनी है, एक लड़का या एक लड़की जो है वो एक गेम रिपीट कर सकते हैं। सो आपस में मशवरा करके वोटिंग करनी है आपस में, या आपने कोई एक खुद ही कैप्टन बनेगा और वो कहेगा कि यार ये मैं खेलूँगा, या ये तुम खेलो, ये आसान गेम है, ये तुम खेल सकती हो, या ये तुम खेल सकते हो, ये मुश्किल है, ये मुझे लगता है कि मैं प्रैक्टिस में हूँ, मैं खेल सकता हूँ। तो आपस में डिस्कशन करके पूरी तरह से फिर खेलना, जल्दबाजी मत करना। ठीक है। और पहली स्टेज जो है वो 50,000 की है, दूसरी स्टेज 5 लाख की है, तीसरी 7.5 लाख की है, और चौथी यानी आखिरी स्टेज जो है वो 20 लाख रुपए की है। हमारे यहाँ ये होता है कि अगर आप 50,000 तक पहुँच गए और उसके ऊपर खुदा ना खास्ता आप हारते हैं तो आप कम से कम यहाँ से 50,000 लेके जाते हैं। फिर अगर आप 5 लाख तक पहुँच गए, ठीक है, तो उससे ऊपर कहीं आप हार गए खुदा ना खास्ता, तो आप कम से कम 5 लाख यहाँ से लेके जाएंगे। उससे ऊपर 7.5 लाख तक आप पहुँच गए और फिर आप 8 लाख या 8.5 लाख तक पहुँचते हैं और हार जाते हैं, तो उसकी हमारे पास 2 ऑप्शंस होती हैं, वो हम आप लोगों से ही मांगते हैं। सो आप मशवरा कर सकते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, ऐसा कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है। एनी कन्फ्यूजन? नो। अच्छा, पहली गेम शुरू होगी 1,000 रुपये से, दूसरी 5,000, तीसरी 10,000, चौथी 20,000, और जो पहली स्टेज की फाइनल गेम है वो 50,000। ठीक है। तो 1,000 रुपये के लिए पहला खेल क्या है, आइए कहां देखते हैं। स्क्रीन पर एक बात तो मैं आप लोगों को बताना ही भूल गया, पहली स्टेज में डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो बहुत कम है, दूसरी में उससे थोड़ा ज़्यादा है, तीसरी में उससे थोड़ा और ज़्यादा है, और चौथी में तो पूछो ही नहीं। मतलब अभी जैसे आपने देखा कि बाबर भाई ने 6 डाइस रखे थे, आपने इस स्टेज में 3 डाइस रखे। ठीक है। सो कौन खेल रहा है आप चारों में से? हैं? तल्बिया। तल्बिया के लिए तालियां। तल्बिया सिर्फ 3 रखने हैं। ठीक है। ठीक है। एक भारी सी आवाज आएगी,
उस भारी सी आवाज के बाद आप खेलेंगी और तीन रख के मैं बोलूंगा 5 4 3 2 1 तो फिर आप जीत गई समझे। ठीक है, तैयार हैं आप? यस। ओके भाई साहब, द गेम बिगिंस 3 2 1 स्टार्ट। Yes! 1000 rupees! Level complete. छठी के बच्चों ने 1000 rupees जीत लिए हैं। आगे बढ़ेंगे 5000 रुपए के लिए। आइए देखते हैं 5000 रुपए के लिए गेम क्या है। कहाँ देखते हैं? स्क्रीन पे। क्या बात है, जी हाँ, गेम आपने देख ली। अब मुझे ये बताइए कि दूल्हा भाई सोए भाभी जागे करे गैर मर्दों से बातें हाय चांदनी रात। क्या बात है लड़कियां, लड़कियां अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है, चारों तरफ लड़कियां, यू नो। हाँ मेरे बच्चे पहुंच गए यहाँ पर। आपके बच्चे नहीं है, छठी के बच्चे हैं ये। नहीं नहीं, बड़े कलाकार बच्चे। बेटा किस किस की जेब काट चुके अब तक? जो मैंने बताया था काटी जेबें। टैलेंटेड बच्चा है भाई, टैलेंटेड। ये इतना शरारती बच्चा है। हाँ। इसको कल जूता नहीं मिला पहन के जाना था। मैं मुंह खोल के सो रहा था, मेरे मुंह में पाँव डाला था, मुंह ले गया मेरा। अबे टैलेंटेड बच्चा है, टैलेंटेड। जो पहनने को मिला था पहन लेता है। देखो वो पढ़ा लिखा शो होता पढ़ा ये थोड़ा मॉडर्न है। अच्छा मेरी नीट थी, यहाँ बताएं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये अकेले नहीं कर पा रहे थे। हाँ इनको फैशन वेशन क्या पता। तो मेरी नीट पड़ी कि थोड़ा फैशन वाला बच्चा चाहिए हमें। वेरी फैशनेबल। यस थैंक यू। वेरी यस आई एम। जो फॉरन नाले से निकला हो। ये भी एक आर्ट है, नाले में से नाले से निकलना। हाँ हाँ। और बच्चों कितने जीत चुके हो अभी? 1000 रुपए जीते हैं सिर्फ। जैसे आपने इनका टैलेंट वैलेंट कुछ सुना, कुछ इनसे कराया? नहीं कुछ भी नहीं पता आपको? नहीं। इस बच्ची का पता है आपको? हाँ अभी मुलाकात हुई है, कह रही शूट से आई। कम ऑन, इतनी प्यारी मनकबत पड़ती है। अरे माशाल्लाह दिल खुश होया आपका। अरे भाई म्यूजिक बंद करें भाई, चलो रविशा हो जाए। रविया हाँ भाई जानम फिदा। तुमने क्या कहा उसको? रविशा, वो मेरे दिमाग से उतरी नहीं, कुछ दो तीन मिला दी तूने। चलो चलो हैं, चलो चलो शाबाश रविशा। उधर सामने कैमरे में देख के चलो। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। बस जानम फिदा, इतना मजा आ रहा था। जानम फिदा है जरी, थोड़ा सा एक अच्छा समझ। अच्छा हमें तो आवाज ही नहीं आ रही ना, माइक तो लगे हुए ही नहीं है। और मैं भी कितना जाहिल हूँ ना, कान करीब कर रहा हूँ। हाँ। चलो चलो और इधर आओ, कम ऑन, हैव अ सीट। हैं खड़े होने को बोलते ना? नहीं, हैव अ सीट कहते हैं, आप बैठ जाओ। अच्छा अच्छा खड़े होने को कहते हैं? प्लीज स्टैंड हियर, प्लीज स्टैंड हियर, प्लीज स्टैंड हियर। ओके आपके पास भी टैलेंट बहुत कूट कूट के भरा हुआ है। हाँ, सही कह रहे हैं आप तो। कुछ हो जाए यहाँ कूट कूट के भरा हुआ है, यहाँ फूट फूट के। मैं क्या फुंसी हूँ, वही तो, कोई दाना हूँ, अब हमें क्या पता। चलो चलो अच्छा ये गाने गाती है भाई। अच्छा? इंग्लिश में गाती है, इंग्लिश आती है आपको? डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश? यू नो मुझे नहीं आती यार। चलो नीचे उर्दू की पट्टी चला देंगे आपकी। चलो चलो। I am a Barbie girl in a Barbie world, life fantastic, it's fantastic, you can brush my hair and dress me everywhere, imagination, love is your creation, come on Barbie, let's go party, I am a Barbie girl, come on Barbie, let's go party, wow, wow.
I'm a blonde bimbo girl in a fantasy world. Dress me up, make me tight, I'm your dolly. You my doll, rock and roll, feel the glamour in pink. Kiss me here, touch me there, hanky panky. You can touch, you can play. If you see, I'm always yours. You can touch, you can play. If you see, I'm always yours. Now it's okay. Zara, Zara, touch me, touch me, touch me. बाद में हाथ धो के कलमा पढ़ना पड़ेगा। आगे ही नहीं था? नहीं। अच्छा। वो अलग है। I'm always yours. I'm always yours. Okay. I'm always yours. Yes. सही है। आप भी सही जा रहे हैं। बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो भाई 5,000 रुपए के लिए अगला गेम है। कौन खेलेगा? ये। चलो चलो। तुम ऐसे परेशान हो रहे हो जैसे तुम खेलोगे नहीं कोई गेम। खेलनी तो है। टैलेंटेड सारे माशाल्लाह। जरगून तो कह रहा था मैं ऐसे खेलूंगा कि आपको लगेगा कोई रोबोट आया हुआ है। नहीं ये तो बात कर रहे हैं यार। लक के मामले, ये तो लक के मामले में ना। लक लक, लक पे कमर। लक का मतलब है कमर। पंजाबी में लक का है लड़के ने। जी जी जी। लड़की की ठीक है। लड़की की कमर को लक कहते हैं ना। हाँ लड़के की वो नहीं है वो क्या है लक 28 कुड़ी था। हाँ वो वाला लक। आगे गा नहीं सकते। क्यों? पर तो आगे कुछ गंदा जुमला है। नहीं नहीं क्या है? क्या है? मैं तो वही सुना, मुझे तो तेरी लत लग गई, बस ये सुना मैंने। अच्छा हाँ। वो लत ये वाली है। अच्छा इसको लत कहते हैं। हाँ। इसको लत कहते हैं। हाँ। वाओ नाइस पंजाबी। थैंक यू। हाँ जी जरगुन मिया जी तैयार हैं आप? जी शुरू करें। फैसल भाई पहली बार इंटरनेशनल चैनल पे एक बच्चे का डायपर चेंज करते हुए। अबे तो घर पे चेंज करते हैं तो यहाँ पे कौन सा प्रॉब्लम है यार। हाँ चलें जी रेडी भाई साहब मामू। The game begins. 3, 2, 1, start. शुरू। तेजी से, तेजी से। बिल्कुल फास्ट, 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 फास्ट ये। ऐसे, ऐसे, ऐसे। हाथ खोलो, पूछ लो। पकड़ा हुआ है ना। शाबाश शाबाश। ऐसे ऐसे जोर से कर, जोर से। शाबाश शाबाश। एक रह गई। अच्छा 3 अंडे नहीं दे पाया खाली। तुम लोगों ने मुझे सेलेक्ट किए। बाकी हो गए। लेवल फेल। क्या करना? यूं कर रहे थे बॉलें ऊपर नीचे हो रही थी। ऐसे ऐसे करना है ताकि बॉल्स बाहर निकले ना। नूरे फते बनो नूरे फते। पूरे बॉडी में दर्द कर दिया। क्या करें? निकल ही नहीं रही। दोबारा भरनी पड़ेगी अभी हमें। दोबारा होगा फोन करेगा। मैं नहीं कर रहा। जयान भाई जरा अच्छे से कर देगा। हां बताओ इसको बताओ कैसे। अच्छी अच्छी कर। चलो हो जाएगा। अच्छी नहीं करना मेरी बिस्तर। चलें भाई रिफिल करें। लेकिन जरगुन तुम्हारी एक लाइफ लाइन चली गई है। तैयार हैं? जी। और नेशनल टीवी पे फैसल भाई दूसरे बच्चे का डायपर चेंज करते हुए। नहीं ये मैं डायपर चेंज नहीं कर रहा हूँ। असल में हम ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। इसे घर तक पहुँचना है और इसको प्रेशर ज्यादा आया हुआ है। बेटा फैसल भाई का हाथ गर्म ना करना। कोई नहीं मेरे हाथ पे कर दे पेंट में ना करी। हाँ जी भाई साहब मामू। द गेम बिगिंस। 3, 2, 1, हिल जा। स्टार्ट। शाबाश 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 शाबाश। कर 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 भाई से करा ये। शाबाश शाबाश। जोर से जोर से। एक रह गई है। दो दो। कर 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 कर। शाबाश शाबाश। जंप लगा जंप। खत्म। लेवल कंप्लीट। फिनिश। इसने तो इतना सा भी नहीं बचाया खाने को। 5,000 रुपीज। शाबाश। वेल प्लेड बॉय। वेल प्लेड वेल प्लेड वेल प्लेड।
क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त, 5,000 रुपए जीत गए आप लोग। 10,000 रुपए के लिए अगला गेम, आइए देखते हैं क्या है। ट्रेन पर। अच्छा बच्चे ट्रेन कर दिए पहले, बच्चे पहले से हैं। चलो जी रेडी हैं आप तो निशाने लगा लेंगे आप जी। चलें जी, आप लोग लगा लेंगे निशाने? कौन कौन लगा लेता है? मैं क्या शैतान हूँ? बताने की जरूरत है? अच्छा तैयार हैं आप जी? 60 पॉइंट जमा करने, वैसे हमारे 80 पॉइंट्स होते हैं, आपको थोड़ी सी रियायत दी है मैंने। इनकी हाइट छोटी है ना? हाँ बच्चों की, ठीक है ना भाई साहब? यार चलाए यार। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, आराम से आराम, चलो चलो मारो मार जाबा उनके बयान लाएगा, थोड़ा नीचे फलाएगा। पहली दफा हुआ है जी ये, पहली दफा वो डार्ट बोर्ड दिखाइए। हालांकि टोटल नंबर आपके जो चल रहे थे वो ऐसे चल रहे थे कि 10 और 19 हो गए 29, ये हो गया 3, 6 हो गए 29, 6 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 आप लूज कर गए थे, ठीक है, लेकिन आपने मारा बोल जाए, बोल जाएगा मतलब है 100 पॉइंट्स। क्या बात है, चलो बच्चों तुम लोगों का सबका दूध पीने का टाइम हो गया, चलो अच्छा 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 थोड़ा सा ब्रेक, ब्रेक से वापस आते हैं कहीं मत जाइएगा। कमॉन कह रहा है यहाँ आ गए तो मुस्लिम मसला हो जाएगा, कोई बात नहीं मैं हैंडल कर लूंगा। हाँ मुझे आता है हैंडल करना। अच्छा जी खूबसूरत लड़कियों को आपके भाई को हैंडल करना आता है। अच्छा भाई सुन ले जान भाई, आप दो गेम खेल गए, जरगुन आपने एक खेल ली है, तलबिया आपने भी एक खेल ली है, एक गेम आपने मस्ट खेलनी है अब, ठीक है ना? खेलूंगी अभी। हाँ आपने खेलनी है। 20,000 रुपए के लिए हमारा अगला गेम है, कहाँ देखते हैं? स्क्रीन पर। कोई सीरियस डिस्कशन चल रही है बच्चों के बीच में? क्या डिस्कशन चल रही है? रविहा, रविहा खेलेगी जी। हाँ बिल्कुल फ्रॉक के बारे में कहता है कि फ्रॉक अभी अगला गेम खेल लो, अभी ना खेलो, जरूर नहीं फिर आगे मुश्किल आते जाएंगे ना, अभी खिलवा देते हैं। हाँ एक कैटेगरी में उसको खेलना। अच्छा 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 हार गई तो फिर हार गई तो इधर आके बात करो, इधर लाइफलाइन चली जाएगी, उसमें क्या हो जाएगा? नहीं आप वहीं रहें,
आप इधर आए ना, आप ऐसे मुंह रख के बात करें। हाँ आप बताएं क्या बहस हो रही है। हाँ। हमारी बहस ये हो रही है कि रविया नहीं खेले। हाँ। वो के नहीं खेले, मैं कह रहा हूँ नहीं खेले, ये कह रहे खेले, और वो खुद भी खेल ही खेले। मैं कह रहा हूँ फ्रॉक पहनी हुई नहीं खेलो, खेलेगी वो, खेल सकती खेलेगी है। एक राउंड मारना है यार सिर्फ, खेल सकती है। अगर हार गई तो पहले मेरा मसला नहीं है, मेरा मसला नहीं है। हाँ। ये हाल तभी साफ कर जाए। मुझे गलत गलत क्यों दिए थे ना, याद है ना? जी याद है, अच्छे तरीके से। तो हम बदले ना ले, अच्छे भाई इधर आ जाए। फुल आ पाया भाई, टोट के बताया करो बेटा तुम। तो मैं कैसे करूंगी? अच्छा अच्छा अच्छा, जी 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 जी, मैं स्किप पर आ जाऊंगी। आप चाहते, मुझे लग रहा आप चाहते कि हम हारे, मुझे पता है। ओ, फुल चार्ज है भाई। शेबी भाई, ये ऐसी इसकी अम्मा कैसी होंगी सोचे। शेबी भाई जीत गए, अगर हम जीत गए तो 10,000 आपके। नहीं बेटा यहाँ नहीं चलता, ये 50,000 ये नहीं चलने देते यहाँ। यहाँ नहीं होगा, जो आप जीतेंगे वो आपके ही है। रविया तैयार हैं आप? चलो रविया पूरा घूम के आना, ऐसे ही उधर से जाना है। करेगी देखना रविया, देखो इस तरफ से घूमना, इस तरफ से जूते ठीक से करो, सैंडल पानी में। ठीक है चलो मामू, तैयार हैं आप? आवाज दे यार, चलो मामू चल निकल भाई। ये नहीं मान रहे, ये मामू है तेरे। अबे तूने बदतमीज तो नहीं, तैयारी है? पता नहीं क्या हो गया अभी इन दिनों में ऐसे हुए हैं। बात कर रहा, सर्दी ज्यादा, शायद इनको ठंड वंड लग गई है। हाँ, ये भी, ये बिचारे रहते भी ऊपर है। हाँ, और ऊपर ठंड होती है ना जरा। मामू यार, खुदा को मामू यार, बच्चा है, मैं इज्जत रख लो यार। कौन सी इज्जत, कौन सी इज्जत यार, ड्रैग नहीं कर बच्ची को, गेम खेलने दे। भाई तो बोल रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। भाई साहब नहीं करें यार, आवाज लगाएं यार। मामू भाई साहब, द गेम बिगिंस, 3, 2, 1 स्टार्ट। रविया एक और चक्कर, एक और चक्कर। Level complete. Congratulations, 20,000 रुपए। रविया आपने इतना जल्दी किया है कि इतना जल्दी तो बड़े भी नहीं कर पाते। फजूल में घबरा रही थी तो। हाँ, एमी तुम लोग उससे बहस कर रहे थे। मैंने तो उसको, ये वो है जिन्होंने रेड कलर की शर्ट पहनी है। बस घर की मुर्गी दाल बराबर ना, भरोसा नहीं है तुम। ये तो हर वक्त मसले खड़े करते हैं भाई। अरे तुम ऐसे ही हो भाई। मैं ऐसे ही हूँ, क्या करूँ। गलत बात है यार, ऐसे नहीं करना चाहिए यार। क्या नहीं, बेबी को तंग कर रहे हो यार। आपको नहीं पता हम लोग कितने लड़ते हैं। कितने लड़ते हैं बताओ? बहुत लड़ते हैं। नंबर्स बताओ। फिर तुमने मुंह उधर कर दिया, इधर आके बात करो। 100 times लड़ते हैं। 100 times लड़ते हैं। लड़ाई की शुरू कौन करता है? 24 घंटे में 1,000 दफा लड़ लिया तो सोएगा भाई। 9 बजे और उठेगा 7 बजे। तुम लोग क्या हर 3 सेकंड के बाद लड़ रहे हो? यही हाल है। अच्छा ये बताओ, घर में अम्मी की ज्यादा चलती है अब्बू की? दोनों की चलती है। और लड़ता कौन है? डरते कैसे हो? दोनों से ही, दोनों से। क्या क्या? डांस करने की। हैं? डांस करने की? चलो फिर डांस करो आपसे, आपके साथ मेरे। अच्छा भाई आगे बढ़े, 50,000 रुपए के लिए पहला स्टेज मुकम्मल होने जा रहा है।
आप चारों ने एक एक गेम खेल ली है, लेकिन हमारे जो जरगुन भाई हैं, हैं जरगुन भाई, अभी तक आप गेम नहीं जीते हैं, ये तीनों जीते हैं। तो डिपेंड करता है वो कहाँ गई आपकी बात कि मैं रोबोट की तरह खेलूंगा। वो वापस आ जाएगी थोड़ी देर बाद, आ जाएगा। जाग रहे हो चले जी, पहला स्टेज मुकम्मल करने वाले हैं ये बच्चे, और 50,000 रुपए के लिए गेम क्या है आइए देखते हैं स्क्रीन पर। और टीम ने फैसला किया है कि ये खेल खेलने जा रहे हैं जरगुन भाई। अब देखना ये है जरगुन भाई ये गेम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अभी तक इन्होंने अपनी एक लाइफ लाइन लूज की है। जरगुन सिर्फ चार करने, ठीक है, चार करने ना। हाँ सिर्फ चार उसके अंदर मतलब फिक्स होने चाहिए, चाहे आप 50 बॉलें फेंकें एक मिनट में, लेकिन चार हमें उसके अंदर चाहिए। ठीक है, हाँ जी रेडी भाई साहब। द गेम बिगिंस 3, 2, 1 स्टार्ट। माशाल्लाह बच्चों, माशाल्लाह बच्चों, तुम्हारी अम्मी लोन आ रही है, रिपोर्ट की स्प्रिट वापस आ रही है, कांग्रेचुलेशन। ये आपके लिए चॉकलेट आई, जब मैंने जेब में डाली है जी। सो आगे बढ़ेंगे, पहली स्टेज मुकम्मल कर ली, आगे बढ़ेंगे। अगला खेल है 75,000 रुपए के लिए, और वो देखना है कि क्या है। आज तुम बच्चों को देखे इतना चुप चुप क्यों? तुम देखे बच्चे मन के सच्चे, ये मेरे खिलाफ कुछ भी सच बोल देंगे मैं तो फंस जाऊंगा ना। आ, ये भी है तो चुप रहना बेहतर है। बिल्कुल, मैं इनकी अम्मियों से बात कर लेता हूँ। नहीं नहीं, तुम ना उधर जाओगे ना उधर जाओगे, तुम यहीं रहोगे। नहीं आ सकता, सॉरी, मना कर रहे फैसल भाई, तो प्लीज। हाँ जैसे उनका बड़ा दिल टूटा, उन्होंने भी शुक्र अदा किया। चले जी आगे बढ़ते हैं, 75,000 रुपए के लिए खेल क्या है आइए देखते हैं। लो भाई, लो भाई, घर में पड़ गया है मसला। हाँ ये गेम पिशावर की साइड से खेला जाएगा। उन्होंने कहा तलबिया, उन्होंने कहा जरगुन। अच्छा इसमें क्या खोलना होगा या यूं ही लेके जाना है? ऐसे देखा नहीं आपने स्क्रीन पे, इतनी जोर से तो आपने कहा था। मेरी रोबोट की स्पिरिट आ गई है ना, मैं कर लूंगा। चलो प्रैक्टिस नहीं कर सकते क्या? कर रहे हैं जान भाई, रेडी आप प्रैक्टिस में? आप कर रहे हैं? चलो भाई ओके। मामू भाई साहब, द गेम बिगिंस 3, 2, 1 स्टार्ट। जाने दो, जाने दो, रुकने दो उसको, रुकने दो। ये कौन बच्चे हैं? मुश्किल गेम भाई, बहुत सारी तालियां। ये कसम से इस पे लाइफ लाइन चली आती है बंदों की भाई। भाई दो दो लाइफ लाइन गई हैं इस एक गेम पे। मुश्किल गेम है ये। अच्छा मुश्किल, इजी पीजी है। इजी पीजी
ये इजी पीजी तुम्हारे लिए हो गया। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। यस लेमन स्क्वीजी। और ये किसके डायलॉग था? किसका था? मेरा। तुम्हारा था? फिर ज्ञान का था जिन्होंने इजी बोला। ये जो है ना हर गेस्ट आता था कहते इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। तुम वो मोहल्ले की वो आपा बनोगी जिसके पास सब बीसियां डालते हैं। वेरी वेल प्लेड, वेरी वेल प्लेड। 75,000 रुपए जीत गए हैं आप लोग। 1,00,000 रुपए के लिए अगला गेम है और इसी स्प्रिट से खेलते रहे तो मुझे लगता है कि आज मेरा और एजाज का रिकॉर्ड जो है वो टूट जाएगा। टूट जाएगा, हम तोड़ देंगे। 10,00,000 का हम तोड़ देंगे। बच्चिया से बोल रही थी मैं कॉपी कर रहा हूँ। चलिए अच्छा किया आपने थूक दिया मुझे। हाँ मेरा काम आएगा नोट गिनने के। चलो शुक्र है नोट गिनने। जी जी हाँ जी। 1,00,000 रुपए के लिए गेम क्या है आइए देखते हैं स्क्रीन पर। आज दो बच्चे खेलेंगे ये। अच्छा अच्छा दो बच्चे ठीक है ठीक। एक बीच में कोई बॉल पकड़ ले या खुद ही बॉल पकड़े और धड़ाधड़ शुरू हो जाएं। 1 मिनट आपके पास है। 1,00,000 रुपए के लिए गेम है। कौन कौन खेलेगा? ये दोनों खेल रहे हैं। भाई तू ऐसे ही मुंह करके बोली। ये दोनों तलबिया और जरगून। जरगून आ जाओ तुम दोनों आ जाओ। तलबिया ओए होए क्या डेफिनेशन दिया आपने तलबिया की। नहीं हालांकि वो तो तखलिया होता है। हाँ आइए हैव अ सीट प्लीज सिट डाउन। चलें जी। कुछ खाया आपने? मैंने हाँ हाँ क्या खाया? सलाद। सलाद वो तो भैंस खाती है। घोड़ा भी घास खाता है बेटा। हाँ ये भी है गधा भी खाता है। तू भी वही खा रहा है? जी 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 जी। चल तालियां नहीं बजाओ मुझे मारेंगे ब्रेक में। लेकिन हम इंसान हैं। यस वी आर ह्यूमंस। बॉडी शेमिंग नहीं करें आप। नहीं 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 इंसान। हाँ भाई तैयार हो? नहीं देखो सर ये मुझे आई लव यू बोल ली है कोई। कौन पब्लिक में लड़की की से आवाज आई आई लव यू? बेचारी को दिखाई नहीं देता होगा। अच्छा आई लव यू ना बोले मैं जवाब दे देता हूँ इसका। वो तो उसने अन्नी माँ बोल दिया। चलें जी। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है यार हम लोग ने जाया कर दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बहुत टैलेंट है। चलो भाई आवाज लगाओ यार। दो मुंह के लोग देखे आपने? हैं दो मुंह वाला आदमी? नहीं मैं हूँ। दो मुंह का कहते मुझे सब क्यों पता नहीं कहते भाई तू दो मुंह का है बे। दो मुंह का क्या होता है पता नहीं। हर इंसान के दो दिल होता है आपको पता है? दो दिल हर इंसान के दो दिल। कैसे? वो नहीं कहते यार एक दिल हो रहा जाऊं एक दिल हो रहा ना जाऊं। मतलब वो अलग अलग होता है ना मतलब जहन और दिल के बीच में लड़ाई चल रही है। ठीक है जी चले भाई आवाज लगाए भाई। बच्चों की अम्मी हो ओए मामू को आवाज लगाया। अच्छा 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 मामू क्या ओए अदब में बात कर रहे हैं या मामू वो 3-2-1 करना। भाई साहब भाई साहब। द गेम बिगिंस। सुधर गए 2-1 स्टार्ट। ओए गिरा दी तारगुन शाबाश बच्चों तो 1,00,000 रुपए। ओए होए होए एक हफ्ता तुम्हारे जितने सबके अब्बा है जो है ना वो काम नहीं जाएंगे। अभी तक देखो 25,000 आ गए हैं सबके। 1,00,000 रुपए
अब अगली गेम पैसे जरा ज्यादा बढ़ेंगे, यानी कि अगली गेम है 2.5 लाख रुपए। बड़ी मुश्किल लगती फिर तो गेम है, बड़ी मुश्किल लगती, ये ज्यादा मुश्किल। चलो तुम सबके डायपर चेंज होंगे, चलो डायपर वाली उम्र से निकल गए, एसी चल रहा है ना, अच्छा फिर मुझे बुला रहे हैं। चल बेटा तेरी अम्मी से तेरी शिकायत करूं। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से वापस आते हैं, कहीं बच जाइएगा। और आज सेट पे एनर्जी अलग है, क्योंकि प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं और बड़ी ज़बरदस्त ज़बरदस्त बातें भी कर रहे हैं, लेकिन उन सब से बढ़कर जो खेल रहे हैं ये साबित कर रहे हैं कि छठी के बच्चे आपसे अच्छे हैं, और इसमें कोई शक नहीं है, आप सब बहुत अच्छा खेल रहे हैं। कीप इट अप। हर साइज़ में यहाँ बच्चा मौजूद है, लेकिन ये बच्चा कुछ अभी मौजूद है। So funny. तारीफ की है या बेइज्जती की है, तो बताओ। ये बेटा बेइज्जती प्रूफ है। नहीं, अब जो आप समझे वही समझ लें। ये भी सही है। हाँ। मेरे भी छोड़ दिया। हाँ ना। कोई पोयम वोयम आती हो तुम लोग को कभी? ये शेर सुनाने लगे थे हमें। अरे वाह 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 वाह, शेर सुना रहे हैं जरगुन भाई। पश्तो में सुनाऊंगा। पश्तो में सुना। गनी खान को जानते? जी जी, नाम बताए। अच्छा, शेर शेर सुनाओ। शेर सुना। दामंग वाले पैदाश हो तकाजा जन सरा जवाब ज़मीर में मुतमईन शी। वाह, तो थोड़ा सा समझ में आया, अब ट्रांसलेशन कर दो इसकी। इसका मतलब है कि हम पैदा क्यों हुए, किस चीज़ के लिए पैदा हुए, अल्लाह के लिए, और मुझे एक ऐसा जवाब चाहिए कि मेरा ज़मीर मुतमईन हो जाए। वाह वाह, क्या बात है। इस बच्चे की शायरी पे अर्ज किया है कि भाई अर्ज कर रहा हूँ भाई जी, कर दे यार, कर दूँ अर्ज? कर दे कर दे। कभी उसे वो मिला जो मुझे ना मिला, उसे वो सब मिला जो मुझे ना मिला, उसे वो मिला जो मुझे ना मिला, उसे वो सब मिला जो मुझे ना मिला, छोड़ दे ये सब ए इंसान, जब खुदा की रजा होगी जब हर चीज अता होगी। वाह 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 भाई, तेरे घर वाले भी सोचते होंगे ना जाने ये किसकी खता होगी। बेइज्जती हुई मेरी, हंस रही हो तुम? हाँ जी जी, पहला काम किया जो ढंग से किया है ना, अच्छा किया ना। थैंक यू सो मच। नहीं अच्छा भाई, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुझे भी शेर आ रहा है, वहाँ करते कोने पर हम उठा लेंगे। मैं हुआ हूँ, शेर आ रहा है ना। हाँ। शेर नाम रखा। तुम भी कोई शेर सुना रहे थे? नहीं। तुम्हें शेर नहीं आता? पोयम आती है कोई? नहीं आती ना, ये तो काय के बच्चे तुम लोग। स्टाइल भी आपके, आपको तो बहुत सारी पोयम आती है। हाँ सुनाई। अच्छा सुनो, शेर आता है? नहीं नहीं आता, मुझे पता ही क्या आएगा, नहीं आता। ये बचपन में खेला हमने 9 मैट्रिक में। अच्छा मैं तुम लोगों से एक चीज पूछता हूँ गेम के अलावा। एक एक कश्ती वाला है, उसके पास एक बकरी है, एक शेर है और एक घास का पोटला है, ठीक है। अब मसला ये है कि उसने वो सारी चीजें किनारे तक पहुँचानी है। अगर वो घास पहले लेके जाता है तो शेर जो है वो बकरी को खा जाएगा, अगर शेर को पहले लेके जाता है तो बकरी जो है वो घास खा जाएगी, तो किस तरह से वो तीनों चीजें उतारेगा? पता है, पहले बकरी को लेके जाएंगे, पहले बकरी को लेके जाएगा, फिर घास को और फिर शेर को। एक मिनट, बकरी को लेके गया, फिर किसको लेके गया? घास को। घास को बकरी के पास, घास छोड़ी वापस शेर लेने आया तो बकरी घास खा जाएगी? नहीं, तो शेर बकरी को खा जाएगा। सिंपल बताऊं क्या? देखो पहले बकरी को ले आएंगे, फिर घास को, फिर वहां से बकरी लाएंगे, बोलेंगे शेर आ जा, शेर खुद आ जाएगा। बताओ बताओ, सोचो सोचो। अच्छा, इधर आके सोचो, इधर आके दो दो इधर आ जाओ। बकरी को खाएगा? दो इधर आ ना, ऐसी बात है। पहले घास, पहले पहले किसको लेके गया? पहले घास को लेके जाएगा, फिर पीछे शेर बकरी खा जाएगा। अच्छा, पहले बकरी को लेके गया, बकरी को लेके गया, पहले बकरी को लेके जाएगा, एक एक करके लेके जा सकता है, एक एक करके कर सकता है। पहले बकरी को लेके गया, उसके बाद घास को लेके गया, फिर शेर को लेके गया। नहीं, लेकिन पीछे जब वापस आएगा शेर को लेने तो बकरी घास खा जाएगी। बकरी तो घास ही खाती है ना। हाँ तो नहीं खाने देनी ना, उसने बचाना है तीनों को।
पहले बकरी को लेके जाएगा, पहले जाके फिर वापस नहीं आएगा। वो कहता वो बकरी को लेके जाएगा फिर वापस नहीं आएगा, पहले शेर को लेके चला जाएगा तो पीछे बकरी घास खा जाएगी। नहीं, पहले घास को लेके जाएंगे तो शेर बकरी खा जाएगा, तो शेर को पानी में डुबा देंगे उसकी जरूरत। देखो पहले बिल्कुल सही है, पहले वो लेके जाएगा बकरी को, ठीक है, पीछे क्या छोड़ दिया उसने, घास, शेर और घास, ठीक है, फिर वो लेके जाएगा घास को, घास को, ठीक है, और बकरी को वापस लेकर आएगा, क्यों, फिर वो लेके जाएगा शेर को और फिर जाते हुए बकरी को लेके जाएगा। ये तो फिर फ्यूल का। अच्छा चलो आसान पूछता हूँ, बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। अब्बू का नाम बताओ। एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन है, ठीक है, वो मशिक से मगरिब की तरफ जा रही है, ठीक है, हाँ, मशरिक मगरिब क्या होती है, ले मशरिक मगरिब है? दो अलग अलग दिशाएं, डायरेक्शन, दो डायरेक्शन, मशरिक से मगरिब है, क्या ईशा फजर, नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसा नहीं होता ना, देखो हाँ, मशरिक और मगरिब, हाँ, मगरिब में सूरज, वेस्ट ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक से वेस्ट ईस्ट, ठीक है, ऐसे आओ वेस्ट ईस्ट, ऐसे हो जाओ, ऐसे आसान सवाल है, सीधे ऐसे ऐसे स्टेट खड़े हो जैसे स्कूल में बैठते हैं, ठीक है, जल्दी बताना, चलो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन, तो उसका धुआं कहाँ जाएगा, क्या चीज, गुड आंसर, गुड आंसर, वेरी गुड। अब गेम की तरफ बढ़े, गेम के बाद अगला सवाल, ढाई लाख रुपए के लिए आइए देखते हैं स्क्रीन पे क्या है। तीन करने कर लूंगे, कर लूंगी, इतने कम है, हाँ सिर्फ तीन करने, तभी हाँ रोबोट को जो ऐसा ना हो कि आपको बहुत आसान है और आप कर ही नहीं पाओ, बस तो नहीं होगा, इसकी जो गोल में इस कॉन्फ्रेंस हो जाती है ना, हाँ जी रेडी, रेडी हो गया, हाँ भाई साहब, भाई साहब, द गेम बिगिंस, 3, 2, 1 स्टार्ट। एक मिनट भाई जान भाई, आप अपनी बहन को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों करते हैं? मैं हूँ नहीं, ये मौका देता इन दोनों को भी, कह रहा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, वो क्यों भाई, वो इसलिए बोले, अच्छा खेल लिया, सामने आए मेरे आप, उसके बाद तलबिया, वो इसलिए बोले वो खुद नहीं कर सकते, हाँ जान भाई गलत बात है, क्योंकि इन्होंने पहले मसले खड़े करने होते हैं, हाँ देखो मेरी बात सुनो, नहीं होगा तुमसे तुम मत करो, चलो 10 अब तुम, और वो आधे सेकंड में कर जाती है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, हाँ नहीं नहीं आप जो जैसे खेली आप तो 8 कर लेती यार, व्हाट इज दिस बिहेवियर, हार्टी जा रही थी मैं ये सुन रहा था, अरे यार छोड़ो यार, सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट, और मेरे ऊपर चिल्लाना स्टार्ट हो गए, हां एस्टिमेट नहीं करते, सपोर्ट करते हैं, और जरूर कह रहे हैं तुझे ना मेरी, चले भाई 4 लाख रुपए के लिए अगला गेम क्या है आइए देखते हैं स्क्रीन पर।
भाई चेक कराओ, तुम्हारा पाइप फट गया। 6-7 हिरणची गुजरे अभी यहाँ से। अच्छा जी जी, बोलो। इतना धुआं हो गया अचानक से। भाई सुन ले, एक गेम आपने खेल ली, एक आपने खेल ली, एक आपने खेल ली, चौथी गेम है इस राउंड की। सो या आप ये खेलेंगी या आखिरी वाली लाजमी खेलेंगी? मैं आखिरी वाली लाजमी खेलेंगी। खेलेगी खेलेगी खेलेगी। तो ये कौन खेल रहा है, ये कौन खेलेगा? तुम आगे ऐसे बढ़े थे जैसे तुम्हें सिलेक्ट करेंगे वो। आ जाओ जरगुन मिया, हटिए जरा अपनी मिस्टेक। यहाँ से आपने उसके अंदर चार पोटलियां फेंकनी है। तीन चार तीन चार चार, ठीक है? खेल खेल, ये सबके फ्रेम खराब कर रहा है। खेल रेडी चले जी। भाई साहब द गेम बिगिंस 3-2-1 स्टार्ट। अबे बच्चों ने तबाही मचाई हुई है, 4 लाख का करोगे क्या? जो आप नहीं करेंगे। वैसे क्या करोगे, 4 लाख किसको दोगे? अपने घर वालों को, अपने आप को दोगे? किसको? इधर आओ, इनको पैसे चाहिए। तुम्हें पैसे चाहिए? मुझे चाहिए। मैं तो उम्रा करूंगी भाई। इनको पैसे चाहिए, फरवरी आ रहा है, आपको पता नहीं है, शादी की तैयारी करनी है उन्होंने। पता नहीं भाई, 1 लाख इनको डोनेट कर देंगे। डोनेट बेटा, ऐसे लोगों को डोनेट नहीं करते। ज़कात, फितरा, हाँ कोई इस तरह की चीज के लिए आप याद रखें। मैं फिर भी क्या करूँगी 4 लाख का? वही करेंगे जो आप नहीं करेंगे। आपकी तरह की वॉच लेंगे, शॉपिंग करेंगे। शॉपिंग करोगी? अब तुम लोग उसका फ्रेम भी करो। हम बच्चे सीधे किए जा रहे हैं। अच्छा भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, 4 लाख रुपए आप जीत गए। सिर्फ एक गलती हुई है अब तक, 5 लाख रुपए के लिए अगला गेम है। 5 लाख का मतलब है आपकी दूसरी स्टेज। भाई बच्चे 5 लाख अगर आप जीत गए तो क्या हो गया? अबे कहां से बच्चे, इनकी मूछें हैं भाई। कहां से मूछें हैं? देखे देखे, नहीं नहीं इतनी तो लड़कों की होती है यार। तो लड़कियों की क्यों है? हल्का हल्का रुआ होता है। अच्छा अच्छा, बच्चों का होता है जी, वो आटे की लई से साफ करती है ना अम्मा। बिल्कुल बिल्कुल। 5 लाख रुपए के लिए अगला गेम कहाँ है, क्या है, आइए देखते हैं। अब हमारी तलबिया जी जो हैं वो फंस गई हैं, उनको ये गेम हर हाल में खेलना है वरना आपके 2.5 लाख रुपए कट जाएंगे। क्या जी, आपने बोला ही नहीं था एकदम। तुम सारे काम तो अचानक बताते हैं, बहुत सारी चीजें। अभी चौथी स्टेज में जो हम चीजें बताएंगे ना, फिर आपको पता चलेगा। ये बताएंगे बच्चे जीत गए हैं? अचानक ये बताएंगे बच्चे जीत गए। किसके बच्चे? हमारे ये बच्चे जीत गए। अच्छा क्लियर बोलो ना बेटा। हम कुछ ही और समझ रहे थे, पता नहीं बच्चे समझ आ रहा था हमें। हाँ ये बच्चे हैं, ये तुम्हारे जैसे नहीं है। नहीं नहीं, आई एम टैलेंटेड, वेरी बहुत टैलेंटेड है, बहुत। यस यस, थैंक यू। हाँ आपको से है ही नहीं। क्या बात है यार, आपसे बहुत अच्छा है। हमारे अंदर टैलेंट, ऐसे टैलेंट टेंट में से निकलते हैं। शादी हो रही होती है जी जी, शादी हो रही होती है उसमें वो टैलेंट चला जाता है। हाँ खाफी के वापस आया था। अच्छा अच्छा, वो ये टैलेंट होता है भाई। टैलेंट है भाई, बगैर दावत खाना खाना। सबसे दूल्हे से जाके मिल रहे हैं यार, बाजी का ख्याल रखना। अभी से नहीं। हाँ हाँ, इतनी अच्छी जुगाड़ आई। छोटी बहन है, उसको भी स्टेज पे बुलाऊं? हाँ अभी बुलाते हैं इसके बाद। रेडी हैं आप? चले जी, आप लोग साइड पे खड़े हो एक एक सपोर्ट करने के लिए। चले जी, हैव अ सीट। ओके भाई साहब, भाई साहब मामू। द गेम बिगिंस 3 2
1 Start Complete. क्या बात है, चलो भाई जंप। क्या बात है, पांच लाख रुपए। कंग्रेचुलेशन बॉयज एंड गर्ल्स। तोड़ देंगे, रिकॉर्ड तोड़ देंगे हम लोग, लग रहा है मुझे तोड़ देंगे। 1-25, 1-25, 1-25, 1-25। अच्छा, अरे अभी आगे बढ़ना है। 25-25 नहीं सारे, तो ये लोग लेके चल जाएंगे। क्यों, क्या शॉप भाई? लेकिन जो भी करो, एक घर में ज्यादा पैसे जा रहे हैं। अच्छा, कितना वो था फैजान आदि का, कितना रिकॉर्ड था? फैजान आदि का था 7.5 लाख। बीट कर देंगे आसानी से, इंशाल्लाह। 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 भाई बहुत बहुत मुबारक 5.5 लाख रुपए के लिए। गेम खेलने से पहले आप लोगों से एक सवाल। जी जी प्लीज। दो बंदर हैं जो बहुत भूखे हैं, उनके सामने केले पड़े हैं, खा नहीं रहे, क्यों? उनके पास है नहीं। नहीं, मैं सामने पड़े हुए केले, बहुत अच्छे उनको भूख लग रही भाई। दो दो बंदर बहुत भूखे हैं, उनके सामने 4 केले पड़े। ये जो, अच्छा ये बताए कितने साल के भूखे, कितने दिन के भूखे हैं? कितने दिन के भूखे? बहुत भूखे, सदियों के भूखे, सुबह के भूखे। अच्छा, सुबह के। और केले नहीं खा रहे, क्यों? क्योंकि उनको केले खाने ही नहीं होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि केले खराब होंगे? नहीं, पसंद ही नहीं। नहीं, मुन्ने पसंद है केले भाई, तू कौन सा बंदर बना रहे हैं? एक दूसरे से लड़े थे। नहीं, 4 केले और 2 बंदर। हाँ, क्योंकि वो केले उनको मिल ही नहीं रहे थे, सामने पड़े रहते हैं केले। बता बता, उनको नजर ही नहीं आ रहे होंगे केले। नहीं, ऐसा भी नहीं है क्या? अंधे बंदर, अंधे बंदर हैं। हाँ, 4 केले और 2 बंदर। हाँ, तो हिसाब किताब में मत जा भाई। इसलिए खा रहे क्या, हम 2 हैं वो 4? नहीं, ऐसा भी नहीं है, 2-2 केले आते हैं हिसाब में। हाँ, केले पड़े हैं, बंदर है, लेकिन बंदर केले नहीं खा रहा। बंदर केले नहीं खा रहे, क्यों? उनका मूड नहीं होगा। बहुत अच्छा। अरे भूख लगी हुई है बहुत ज्यादा, क्योंकि वो शबी भाई है। नहीं नहीं, बेताशा भूख लगी है, सामने केले पड़े हैं, खा नहीं रहे। बताओ क्यों? उनका मन नहीं होगा सामने। नहीं नहीं, मैं बताऊं, मैं बताऊं, क्योंकि नहीं, क्योंकि वो केले जो है ना टीवी पे आ रहे हैं। टीवी का ही बताया ना आपने, तो ये तो मैंने थोड़ी बताना था। अच्छा चलो ठीक है, टीवी पे नहीं आ रहे। 2 बंदर हैं, भूखे हैं, सामने 2 केले पड़े हैं, नहीं खा रहे, बताओ क्यों? टीवी है इसमें? नहीं है। नहीं है, क्योंकि वो 2 बंदर 2 केले। हाँ, 2 बंदर 4 केले, खा नहीं रहे, क्यों? क्यों खराब होंगे? क्योंकि उनको कहीं और केले दिख गए होंगे। नहीं, बताओ क्यों? पड़ी होगी। मैं बताऊं क्योंकि वो टीवी पे आ रहे थे। नहीं, अरे बंदर प्लास्टिक के। क्या क्या बंदर प्लास्टिक के? चलो भाई, अच्छा चलो, 2 बंदर हैं, 2 बंदर हैं, 4 केले, 4 केले, बंदर केले नहीं खा रहे, बताओ क्यों? प्लास्टिक के तो नहीं है? नहीं नहीं, खिलौने, क्योंकि वो खिलौने वाली वो है, क्योंकि केले प्लास्टिक के। बहुत, क्योंकि वो खिलौने बंदर नहीं, केले खिलौने वाले नहीं। नहीं, क्या क्या है बंदरों का? मैं बताऊं, मैं आ रहे होंगे आज, बंदरों को ना पिज्जा खाने का मूड है। कैसा, ये क्या है? लेकिन आपने बोला था 2 बंदर 4 केले, ये पूरा शो कर सकते हैं हम इस पे। नहीं 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 खा रहे, बताओ क्यों नहीं खा रहे? मैं और आदि पूरा शो कर चुके हैं इस पे, क्यों नहीं खा रहे बताओ? मैं नहीं बता रहा, मैं क्यों नहीं खा रहे? रोजा है बंदरों का। चलो, ओए बुरी बात। हाँ जी, चलो जी, 5.5 लाख रुपए के लिए गेम क्या है, आइए देखते हैं स्क्रीन पर।
अच्छा अब एक टेक्निकल इशू हो गया है। टेक्निकल इशू ये है, ये अगर ऊपर जाएगा तो बहुत ऊपर चला जाएगा। तो कौन खेल रही है? तलबिया आप खेल रही है। तलबिया आप यहाँ आगे आ जाए। अच्छा हाँ, जमीन पे रखें ठीक है, ताकि और आप पकड़ाते रहेंगे ग्लासेस आप लोग, ठीक है? हेल्प करनी है, लगना नहीं है। 5 4 3 2 1 भाई मैं कर रही हूं ठीक है। और ज्यादा भाग दौड़ नहीं करना, भाग दौड़ करोगे ग्लास गिर जाएंगे। और इसके हाथ पांव भी नहीं फुलाना, आराम से ऐसे करना। तलबिया तुम इधर आओ, जमीन पर करना है सर। हाँ वो बहुत ऊपर चला जाता ना, हाइट इसके मुंह से भी ऊपर चला जाता है। हाँ बहुत ऊपर चला जाता भाई। चलो बेटा सामने से हट जाओ ना, इधर आ जाओ ना सर, इस तरफ आओ, इस तरफ आओ। 6 6 5 4 3 2 1 ठीक है, रेडी? मामू चल बे। भाई मैं इस आदमी का मुंह नहीं लग रहा, खुद भेस करे। तेरा मुंह है लगने वाला यार। मामू तुम जिस दिन नीचे आ गए ना तू पिटेगा। मैं माजरा चाहता हूँ, आप 3 2 1 कहे थे भाई साहब, प्लीज बच्चों के साथ लग जाते हैं। 3 2 1 स्टार्ट। बच्चे कर गए हैं, बच्चे कर गए भाई। अबे हम बड़े बड़े गिरा रहे होते हैं ग्लास यहाँ पे, बड़ों से नहीं होता ये बच्चों वाले गेम में। बच्चे कर गए, ये देखिए, ये आप हमारी क्रीम लगाएं। जी जी ये देखें, क्रीम से पहले, क्रीम के बाद और क्रीम के फौरन बाद। बेटा किसके साथ हो? जाओ खेलो, जाओ बेटा, तब आई आप भी खेलो। और आ जाओ बच्चों, सारे बच्चे आ जाओ, सारे बच्चे आ जाओ सेट पे, वो आ भी रहो। प्यारे प्यारे बच्चे जो यहाँ पे मौजूद आपको सेट पे दिखाई दे रहे हैं, ये कमाल खेल रहे हैं। और ये हमारे जरगुन मियाँ की छोटी सी बहन है जो सेट पे शराबील भाई जिसको चक्कर लगवा रहे हैं। अबे ये मुझे घुमाने निकली ऐसा लग रहा है। अरे इधर आओ मेरे पास, ये आपके जो भाई हैं जरगुन हैं, गरगुन। अच्छा गरगुन, ये जो गरगुन है, गरगुन जरगुन। अच्छा जरगुन गरगुन, ये कौन से शो में आते हैं? छोटी के बच्चे आपसे अच्छे। बताओ ना नाम, बताओ शो का नाम बताओ। किसके बच्चे? छोटी के बच्चे, अच्छे अच्छे। चलो आप मेरे साथ आ जाओ, इनको खेलने दो, आप इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप खेलोगी। हाँ ठीक है, इधर आ जाओ मेरे पास। हाँ जी, 6 लाख रुपए के लिए। ओह नो बेटा, अगला गेम अब कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और इंसानों की तरह खड़े हो आप सारे। क्या कौन रहा है? जो खुद ही खड़े हो सकते हैं, जो खुद ही खड़े हो सकते हैं। सही बता रहा हूँ, अब सख्त मुकाबला। देखो 7.5 लाख का रिकॉर्ड तोड़ना है। नहीं, 10 का। देखो 10 तक तो शायद ही जाओ, तो फिर खेलो ना। आइए 6 लाख रुपए के लिए गेम क्या है देखते हैं स्क्रीन पर। कौन खेलेगा? ये रविया और जरगुन के बीच में चल रहा है मसला। ये दोनों ही कर लेंगे ना, दो वोट रविया के लिए, एक वोट एक भी वोट जरगुन के लिए नहीं है। तो क्या करना है? अच्छा जी हरा देगी वो। देखो सब खेलने तो खेलने, आओ आओ जो भी खेलता है। कितने क्लास करने हैं सारे? एक मिनट नहीं करो। रविया खेल रही है, इसकी हवा निकालो। चले भाई अभी नहीं, अब जब हम
काउंटिंग करें, जंप करना। हाँ भाई साहब, भाई साहब। The game begins. 3, 2, 1, start. सारे ग्लास रखो ऊपर। मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ। आप कौन खेल रहा है? मैं खेल रहा हूँ, भाई के बंद हैं। भाई वो जावियार खेल, मैं खेलूँ। जरगुन खेल रहा था ना? मैं खेल रहा हूँ। जरगुन खेल, जरगुन जरगुन। अगले जरगुन के लिए मैं पहले भी खेल रहा हूँ, ठीक है? खेलने दे अंकल, वैसे मैं इसकी लाइव में मेरी लाइव नहीं है। सही है, सही है। चलो अंकल बोलेगा और क्या बोलेगा भाई। कौन खेल रहा है? मैं खेल रहा हूँ। मुझे अंकल बोल रहे हैं भाई अच्छा सा खेलिएगा प्लीज। अगर लूज हुए तो तुम भी मेरे। एक बारी जा चुकी है जरगुन की। किस किस की जा चुकी है? एक बारी जा चुकी है राविया की। चले जाएंगे। चलो द गेम बिगिंस 3, 2, 1 स्टार्ट। क्या बात है, जबरदस्त जंप जंप। ये क्या बात है, 6 लाख रुपए जीत गए आप लोग। एक लाइफ बहुत जबरदस्त खेल रहे हैं। सिर्फ 2 लाइफलाइंस गई हैं अभी आप लोगों की, एक राविया की और एक जरगुन की। सो डोंट वरी रविया, डोंट वरी, अभी बहुत चांसेस हैं आप लोगों के पास। कह रही है कि एक और जाएगी हम लोग। टाटा विल सी यू, ये कह रही है। क्या कह रही है? आपने जो बोला था कि जब एक लाइफ लाइन और चली जाएगी तो फिर हम लोग। नहीं नहीं, 3 चांसेस है ना बेटा। नहीं नहीं, इसके बाद जो चली जाएगी फिर खत्म। नहीं, इसके बाद एक और चांस है, उसके बाद आखिरी चांस। 6.5 लाख रुपए के लिए गेम क्या है, आइए देखें स्क्रीन पर। हाँ जी, जरगुन मियां आ गए हैं गेम खेलने के लिए। चलो जरगुन, रेडी? जी। चल भाई आवाज लगाया। चलो भाई मामू निकल। काश मेरी अम्मी का कोई भाई ना होता। हाँ क्या चाह रहे हैं? अरे यार भाई साहब, बच्चे यार, भाई साहब आपकी भी। The game begins. 3, 2, जरगुन आराम से, इजी हो गए। स्टार्ट। भाई अब कितने जीत गए? क्या बात है, 6.5 लाख रुपए। सिर्फ 1 लाख
और कर लोगे तो आदी भाई फैजान भाई तक पहुंच जाओगे। 7 लाख रुपए के लिए अगला गेम क्या है, आइए देखते हैं। स्क्रीन पर गिरानी है 8। चलो जी भाई साहब। The game begins. 3, 2, 1, start. बच्चों की एक आदत अच्छी है, गंद फैला बना मतलब करते हैं, उसके बाद सफाई भी करते हैं। छोड़ दो बेटा, ये हो जाएगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। काश पाकिस्तान में ये बात सबको समझ आ जाए कि अपना गंद खुद साफ करना है। जी अपना मेस खुद सही करना है जी, कोई दूसरा आके सही नहीं करेगा। ओके। और किसी के मेस में बोले मत, अगर किसी से कोई गलती हुई है तो वो आप उसको सही ना करवाएं, वो खुद कर लेगा। वो जिंदगी कम है अपनी गलतियां सही करने के लिए, लेकिन अच्छी आदत है ये मैंने देखा आप लोगों को थ्रू आउट। जरा सा कुछ मैसी होता है आप खुद समेटना शुरू कर देते हैं चीज़ें, ये बहुत अच्छी बात है। आपको स्कूल से घर से जो ट्रेनिंग मिल रही है ये बहुत अच्छी बात है, इस पर तालियाँ होनी चाहिए। वैसे भाई सिर्फ एक बार ही रहती है, हम उनके साथ टाई हो जाएंगे। 7.5 लाख के लिए गेम है, कर जाओ। आप सिर्फ आदी फैजान नहीं, और भी 3 लोग हैं जिनके साथ आप बराबर हो जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप और आगे जाएं। सो आइए देखते हैं 7.5 लाख रुपए के लिए गेम क्या है। भाई थर्ड स्टेज के लिए ये गेम है और तलबिया ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है, 3 टावर्स बनाने। ठीक है तो इसको यहाँ से लेके यहाँ पहुँचाना है। नहीं नहीं, यहाँ से यहाँ रखो, इसको यूं रखो और इसको इसके ऊपर रखो। कलर से कर ले ना। नहीं नहीं, कलर्स का कोई कलर्स का इशू नहीं है इसमें। ठीक है, टावर बनाना, ये टावर, ये टावर और ये ऐसे। ठीक है, तीन तीन के बनाने, लेकिन हाथ नहीं लगाना है तलबिया, बलून से उठाना है ये। चलो ठीक है मामू। हाँ भाई साहब, पहले फूलर। The game begins. 3, 2, 1, start. हाँ जी, अब क्या होगा? हमारा माइनस होगा, मेरा माइनस हो जाएगा।
सप्पा माइनस होगा। हाँ, आप लाइफ लाइन अगर जाया करोगे तो ये खेल लेगा। तुमने नहीं खेली है कोई गेम इसमें। ये इसका हाइट का इशू है, हाइट का इशू। इधर नीचे कर लेगी ना, नीचे कर लेगी ना, इससे कैसे करेगी? नीचे नहीं कर पाएगी ना, ये वाला दूसरा है। चलो दरगुन मियां रेडी हो जाओ। दरगुन मियां चलो, दरगुन करोगे यार? चलें चलें, हो जाएगा। चलो भाई मामू जी। भाई साहब, द गेम बिगिंस। 3, 2, 1 स्टार्ट। अच्छा, मैं इसका एक हल बता सकता हूँ। आप लोग शूटिंग भी खेलते हैं? नहीं, मैं शूटिंग की नहीं, नहीं, मैं आप लोगों को इसका एक हल बता सकता हूँ। आप आपसे दो गलतियाँ हुई हैं, आपसे कोई गलती नहीं हुई है। कौन सी, किससे? एक गलती आपसे हुई है, एक गलती और एक गलती आपसे हुई है। अब इसका हल ये है, अगर आप इस गेम को स्किप करना चाहते हैं, एक जगह पर खड़े हों, सब ऐसे लाइन में खड़े हों, सामने सामने सामने, इधर आओ दरगुन, इधर आओ, सब लाइन में आओ। मुझे नहीं जाना चाहिए। इसका हल ये है, मेरी आखिरी है, कि अगर चाहते हैं कि आपको ये 7.5 लाख रुपए मिल जाए तो आप इस गेम को स्किप कर सकते हैं। लेकिन इसको स्किप करने के लिए आप चारों की एक एक बारी जो है वो जाएगी। नहीं सर, नो, नो, इसका मतलब ये होगा कि जो जरगुन है वो गेम से आउट हो जाएंगे, फिर वो कोई गेम नहीं खेल पाएंगे और आखिरी राउंड में सिर्फ आप तीनों खेलें। ये गेम स्किप हो जाएगा। मान लेते हैं, मान लो उनको मशवरा तो करने दो भाई। हां मशवरा हमें हमें चाहिए। ऐसे करें ना, फिर माइक नीचे कर देता करो करो हमारा एक। अबे छोटी है पूरी, बोले मशवरा कर लेते हैं। हां जी, किस फैसले पे पहुंचे फिर आप दोनों ने? ट्राई कर रहे हैं, हम कर लिया। जरा मुंह भाई ने खेल लिया। अगर तुम लोग मुझे सेलेक्ट नहीं करते तो जयान को सेलेक्ट करते, तो अभी हम सारे मतलब मैं करता हूँ स्किप करें, एक स्किप करें, स्किप करें, नहीं अब तो कुछ भी नहीं करो बेटा, अब तो कुछ भी करो यार। नहीं नहीं, तो आप लोग स्किप कर दे, स्किप कर दे। नहीं नहीं, अब तो कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि टाइम खत्म हो गया। So, आप लोगों के साथ 7 लाख रुपए जा रहे हैं। आप रिकॉर्ड नहीं ब्रेक कर पाए 7.5 का और 10 का, बट वेरी वेल प्लेड। प्लेजर मीटिंग यू ऑल। छोटे बच्चे नहीं है आप लोग, बहुत बड़े हैं। आपने बड़ों से जो यहाँ पे कई 100 लोग आए हैं उनमें से आप लोग भी बहुत अच्छा खेले हैं। यू गाइस हैव नो आइडिया कि कुछ गेम्स जो बड़ों से नहीं खेली जाती वो आप लोग ऐसे खेले हैं जैसे बच्चों के हाथ का खेल होता है। सो ये बात साबित हुई कि ये गेम्स जब बच्चे इतना अच्छा खेल सकते हैं तो बहुत बड़े आके यहाँ पे क्यों घबरा जाते हैं। बट आप सब बहुत अच्छा खेले हैं, इन बच्चों के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। और इसी तरह से जिंदगी में कभी हार नहीं मानना, ठीक है? लड़ते रहना है, ठीक है? लड़ते रहोगे जीतते रहोगे। लड़ने का मतलब ये नहीं है कि सर फाड़ दो किसी का, मतलब अपने एम के लिए, ठीक है? सो कीप इट अप गाइस। आज तो मेरी विश पूरी हो गई, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपके शो में और सेलिब्रिटीज के साथ। थैंक यू सो मच। हां सब गले लगो, ईदी भी देंगे फसल। चलो चलो जी, थैंक यू। और इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।
बुल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।